Hello everyone, in this video we will cover a new lesson and the name of the lesson is The Last Leaf. So now I am going to start it. How far are you willing to go for the sake of friendship? कह रहा है कि आप अपनी दोस्ती के लिए किस हद तक जा सकते हो, क्या कर सकते हो. This is a moving story of two friends called Sue and John C who live together in New York City. अब कह रहा है कि ये जो स्टोरी है द लास्ट लीफ, इसमें दो दोस्तों की कहानी है जिनमें से एक का नाम सू है और दूसरे का नाम जॉन सी है. When John C falls sick and gives up in desire to leave Mr. Beherman, an unsuccessful old artist inspires and rekindles in her that very desire. अब कह रहा है कि जब जॉन सी बीमार पड़ जाती है और वो अपने जिंदा रहने की उम्मीद को छोड़ देती है, जिंदगी जीने की उम्मीद को छोड़ देती है, तो जो मिस्टर बेहरमैन है जो एक असफल आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, जॉन सी को प्रोत्साहित करते हैं और उसके अंदर जो आग है, जो जिंदगी जीने की जो इच्छा थी, जो बुझ चुकी थी, उसको दोबारा से वो ज्वलंत करते हैं. द प्ले एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फ्रेंडशिप सेक्रीफाइस एंड द पावर ऑफ होप. अब कह रहा है कि ये जो प्ले है ये एक्चुअली एक नाटक है. तो इस प्ले में, इस नाटक में क्या बताया गया है कि फ्रेंडशिप का असली मतलब क्या होता है, कि थीम ऑफ फ्रेंडशिप क्या है, सेक्रीफाइस एंड द पावर ऑफ होप, कि उम्मीद की जो शक्ति है वो क्या होती है, बलिदान क्या होता है, और थीम ऑफ फ्रेंडशिप की दोस्ती की जो थीम होती है, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है. Let us read to find out how Mr. Beherman saves Johnsy's life. अब कह रहा है कि चले इसको पढ़ते हैं और पता करते हैं कि मिस्टर बेहरमन जो है वो जॉन्सी की लाइफ को कैसे बचाते हैं. So, इसमें पहले कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं, तो जॉन्सी, सू, डॉक्टर बेहरमन और नरेटर. तो ये टोटल पांच मेन कैरेक्टर जो है इस स्टोरी में है, और पांच मेन कैरेक्टर ना, यही पांच कैरेक्टर इस स्टोरी में है. तो जैसे कहानी स्टार्ट होता है, नरेटर, इन न्यूयॉर्क सिटी देयर इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट जस्ट वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर called Greenwich Village, where the narrow irregular streets have run crazy and broken themselves into short strips called places. अब कह रहा है कि in the New York City, कि New York City में एक छोटा सा एक जिला है जो कहाँ है, just west of Washington Square, और वो Washington Square के पश्चिम में स्थित है, जिसका नाम क्या है, Greenwich Village, जहाँ की जो गलियाँ हैं, जो वहाँ की जो गली हैं बहुत पतले हैं और irregular है, मतलब ये नहीं कि बहुत symmetrical है एक के बाद दूसरा, नहीं, टेढ़े मेढ़े हैं वहाँ पे वो गली है. Have run crazy and broken themselves into short strips called places. और वहाँ की जो गलियाँ हैं ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, जिनको कि places के नाम से जानते हैं. It's an ancient residential community where many of the beautiful old brick houses date back to the 1820s. अब कह रहा है कि it's an ancient residential community, कि मतलब ये जो है एक बहुत ही पुराना कम्युनिटी है लोगों के रहने का, यहाँ बहुत पुराना कम्युनिटी है लोगों के रहने का, मतलब है कि यहाँ जो बहुत पुराने पुराने घर मिलते हैं, ऐसा है. अब यहाँ पे बहुत सारे जो घर हैं, वेयर मेनी ऑफ द ब्यूटीफुल ओल्ड ब्रिक हाउसेज डेटेड बैक टू द 1820s, यहाँ पे जो घर हैं वो अधिकतर क्या है, तो बहुत पुराने हैं, ईंटे के बने हुए घर हैं, ऐसे भी ईंटे के ही बनते हैं, लेकिन इस तरह से है ना कि उनकी ईंटें दिखती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराने हालात में है. और जिस तरह के 1820s में होता है ना, डेट बैक टू द 1820s, मतलब 1820 से भी पहले के घर वहाँ. Now in the final year of the 19th century, we find here clusters of colorful restaurants, theaters and shops. कह रहा है कि in the final year of 19th century, मतलब 19वीं शताब्दी के समाप्त होने तक, वहाँ पे जो है ना आप देखे जा सकते हैं कि बहुत सारे रंग बिरंगे रेस्टोरेंट्स हैं, थिएटर्स हैं. थिएटर्स उन जगह को कहते हैं जहाँ पे नाटक पहले किया जाता था, अब बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे थिएटर्स, बहुत सारी दुकानें हैं. People interested in the creative lifestyle have settled here, attracted by the quaint atmosphere and low rents. अब कह रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं जिनको क्रिएटिव lifestyle, मतलब ऐसे जिंदगी जीने पसंद है जहाँ पे क्या कह सकते, जहाँ का जो atmosphere है, जहाँ का जो surroundings है एकदम ओल्ड जमाने जैसा हो, पुराने जमाने जैसा हो, तो इस तरह के क्रिएटिव लाइफस्टाइल को जो लोग पसंद करते हैं वो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे सेटल हो चुके हैं. और यहाँ के क्वेंट मतलब क्या होते हैं, कि जो ये पुराने घर होते हैं ना उनको क्वेंट कहते हैं, उस तरह के डिज़ाइन को क्वेंट कहते हैं. तो इस तरह के डिज़ाइन से जो अट्रैक्टेड हैं वो वैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, और इन जगह का जो रेंट है वो काफ़ी क्या है, कम है. चलिए, तो क्वेंट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल एंड स्पेशली ओल्ड फैशन. तो क्वेंट उन सारे बिल्डिंग्स को कहते हैं, उन सारे जगहों को कहते हैं, स्पेशली हाउसेस को कहते हैं, जो हैं तो पुराने लेकिन अपने ओल्ड फैशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल बन जाते हैं, अट्रैक्टिव बन जाते हैं. ऑन एन इवनिंग इन लेट स्प्रिंग द लिटिल कैफे इज बिजी एज यूजुअल.
अब कह रहा है कि एक शाम स्प्रिंग सीजन था, तो स्प्रिंग सीजन में शाम की बात है, द लिटिल कैफे इज बिजी एज यूजुअल। तो वहाँ पे एक कैफे था, कैफे मतलब वो जगह जहाँ पे लोग जा करके खाना खाते हैं या फिर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये भी एक कैफे है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो दिखाई दे रहे हैं, इससे मतलब क्या है कि ये मतलब बहुत ही पुराने, वहाँ पे पुराने तरह के घर मिलते हैं। अब वहाँ का जो कैफे था हमेशा की तरह क्या था, बहुत बिजी था, मतलब बहुत सारे लोग थे। जुनाना गेंस पेज फॉर हर ट्रे ऑफ फूड देन लुक्स अराउंड फॉर अ प्लेस टू सिट। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, जुआना गेंस, वो क्या करती हैं, अपने खाने के पैसे देती हैं और एक जगह बैठने के लिए जगह ढूंढती हैं, क्योंकि वो जो कैफे था वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला था, काफ़ी भरा हुआ था। फाइनली सी क्रॉसेस द रूम टू अ चाइनीज टेबल विद टू चेयर्स एंड ओनली वन डिनर। अब कह रहा है कि अंततः जो है वो एक ऐसे रूम को क्रॉस करती हैं जहाँ पे एक छोटा सा टेबल होता है, जहाँ पे दो चेयर होते हैं और वहाँ पे एक व्यक्ति जो होते हैं वो डिनर कर रहे होते हैं। जॉन सी, एक्सक्यूज मी, ऑल द अदर टेबल्स सीम टू बी टेकन, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। तो जो हमारी जो जुआना गेंस हैं, उन्हीं का नाम जॉन सी है, तो वो कहती हैं कि एक्सक्यूज मी, जो बैठी हुई थी ना वो टेबल पे, सॉरी चेयर पे, उनसे पूछ रही हैं कि एक्सक्यूज मी कि ऑल अदर द टेबल्स सीम टू बी टेकन, कि जितने भी टेबल्स वहाँ पे थे वो सारे के सारे पे ना वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो इससे पूछती हैं कि अगर ये बैठ जाएंगी तो इनको कोई बुरा तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सू, ओ नो ऑफकोर्स नॉट, आई वुड लव द कंपनी, प्लीज ज्वाइन मी। तो ये जो सू है, जो दूसरी व्यक्ति हैं, वो कहती है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ सकते हो, अगर आप बैठोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही लगेगा। ये बातें कौन कहती हैं, ये बातें सू कहती हैं, किससे कहती हैं, जॉन सी से। जॉन सी, थैंक यू, माई नेम इज़ जुनाना गेंस। अब आगे जो है वो जॉन सी जो है वो अपना कहती हैं बहुत बहुत धन्यवाद, वो अपना नाम बताती है। सू, हेलो जुनाना, सुजान क्रॉस, फ्रेंड्स कॉल मी शू। तो जो सू है वो कहती हैं हेलो जुनाना, उनको ना उनका जो नाम था जॉन सी का फुल नेम, और वो अपना नाम बताते हैं जिनका नाम क्या है, सुजान क्रॉस, और वो बताती हैं कि उनके जो दोस्त हैं उनको शू के नाम से बुलाते हैं। जॉन सी, हाय शू, माय फ्रेंड्स कॉल मी जॉन सी। तो ये जो जॉन सी है वो कहती हैं कि हाँ हाय सू, और मेरे जो दोस्त हैं वो उसे किस नाम से बुलाते हैं, जॉन सी के नाम से। शू, जॉन सी, आई लाइक इट। तो जो सू है वो कहती हैं जॉन सी, वे काफ़ी ज़्यादा पसंद है उनको ये नाम, अच्छा लगा। जॉन सी, इट्स रियली बिजी इन हेयर इजंट इट, डू यू ईट हेयर ऑफन। जो जॉन सी है वो पूछते हैं कि लगता है ना बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्या आप यहाँ पे हमेशा प्रायः आ करके खाना खाते हैं। सू, जस्ट अबाउट एवरी डे, इट्स द चीपेस्ट एंड द बेस्ट प्लेस अराउंड, आई हैवंट सीन यू इन हेयर बिफोर, हैव आई। तो आगे जो सू है वो कहती है जस्ट अबाउट एवरी डे, कह रहा है हाँ लगभग हर दिन की तरह यहाँ बिजी ही रहते हैं, और वो हर दिन लगभग वो आते हैं, कौन आते हैं, जो सू है वो कहती है कि वो हमेशा जो है उस कैफेटेरिया में, उस कैफे में खाने के लिए आती हैं। और आगे वो कहती है कि ये बहुत ही सस्ता है और सबसे अच्छा जगह है उसके आसपास के इलाके में। और वो आगे वो कहते हैं कि आज से पहले उन्होंने कभी भी जो है वो जॉन सी को नहीं देखा। वो पूछती कि क्या देखा उन्होंने। जॉन सी, नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, आई जस्ट गॉट टू टाउन 3 days ago, इट्स ऑल सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैलिफोर्निया। आगे जो है वो जॉन सी कहती है कि नहीं, ये जो है उनका फर्स्ट टाइम है, वो 3 दिन पहले ही जो है ना, आई जस्ट गॉट टू टाउन, गॉट टू टाउन मतलब इस शहर में वो 3 दिन पहले ही आई है, इट्स ऑल सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैलिफोर्निया। और वो आगे कहते हैं कि यहाँ जो है ना कैलिफोर्निया से काफ़ी ज़्यादा क्या सारी चीज़ें अलग हैं, मतलब जो सू जो जॉन सी है वो कहाँ से आए हैं, कैलिफोर्निया से आए हैं। सू, ओ कैलिफोर्निया, आई वॉज जस्ट देयर वंस, व्हाट पार्ट आर यू फ्रॉम। तो सू कहती हैं कि कैलिफोर्निया से हो आप, आई वॉज देयर वंस, कि एक बार वो वहाँ गई थी, व्हाट पार्ट आर यू फ्रॉम, कि आप वहाँ कैलिफोर्निया के किस पार्ट से हो। जॉन सी, अ स्मॉल टाउन नियर सैन फ्रांसिस्को सेवेस्टोपोल एंड यू। तो जो जॉन सी है वो कहते हैं कि वे एक छोटे से शहर से सैन फ्रांसिस्को के निकट है जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के निकट एक छोटा सा शहर है जिसका छोटा सा शहर सैन फ्रांसिस्को है, उसके पास में वो जगह, मतलब उसके पास से वो आई कैलिफोर्निया में, जिसका नाम क्या है सेवेस्टोपोल। तो सेवेस्टोपोल कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को के नज़दीक, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, कैलिफोर्निया के पास। एंड यू, तो आगे पूछते हैं जॉन से कि आप कहाँ से हो। सू से, आई एम फ्रॉम मेन, व्हाई हैड यू कम टू न्यूयॉर्क। आगे जो है वो सू कहती है कि वो कहाँ से है, वो मेन से है, और वो पूछती है कि आप जो है न्यूयॉर्क क्यों आए हो। जॉन से, टू वर्क एंड स्टडी, आई एम एन आर्टिस्ट और एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बी। तो जो जॉन सी है वो बताती हैं कि वो यहाँ काम करने आई हैं और पढ़ने आई हैं, और बताती हैं कि वो क्या है, कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं, और एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बी, और वो कहती हैं कि उनको ये पसंद भी है। शू, ओ वंडरफुल, सो एम आई। तो सू जो कहती हैं कि कितना अच्छा है, वो कहती हैं वो भी क्या है, एक आर्टिस्ट ही है। जॉन सी, हैव यू लिव्ड इन द विलेज लॉन्ग। तो वो पूछती हैं कि आप जो है विलेज में कितने समय से रह रहे हो।
सू अबाउट 4 months, तो कहती हैं वो 4 महीने से. नरेटर सून शून सू एंड जॉनसन बिकम गुड फ्रेंड्स एंड डिसाइड टू शेयर एन अपार्टमेंट टू सेव रेंट. इट इज़ द टॉप ऑफ अ 3-story ब्रिक बिल्डिंग. अब क्या है ना कि इतने सारे कन्वर्सेशन, चूंकि दोनों जस्सू और जॉनसी दोनों के दोनों आर्टिस्ट थे, तो दोनों बहुत जल्दी क्या बन जाते हैं, एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों ना क्या करेंगे, रेंट पे एक अपार्टमेंट के लिए अपार्टमेंट को ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो रेंट का खर्चा होगा वो दोनों आधा आधा क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे. इससे उनके पास कुछ पैसे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे. और वो जो अपार्टमेंट लेते हैं वो कहाँ रहता है, इट इज़ द टॉप ऑफ अ 3-story ब्रिक बिल्डिंग. एक ब्रिक बिल्डिंग था, ब्रिक बिल्डिंग मतलब ईंटों का बना हुआ था. अब देखो ईंटों का बना हुआ कहने का मतलब है उसमें सीमेंटेड उतने ज़्यादा नहीं थे, जैसे हम लोग के यहाँ प्लास्टिक वगैरह होता है ना, तो वो नहीं था, ईंटें दिखते थे, तो ऐसा बिल्डिंग था. और वो 3-story बिल्डिंग था और उसके सबसे ऊपर में उन लोग का रूम था. अब जो है वो scene 2 शुरू हो रहा है. तो scene 1 में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो है सू और जॉनसी की एक कैफे में मुलाकात होती है, दोनों कन्वर्सेट करते हैं और दोनों जो है बहुत जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक ही साथ एक ही अपार्टमेंट में जो है रेंट को बचाने के लिए रहने लगते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड सीन और द नेक्स्ट सीन. scene 2 नरेटर टुवर्ड विंटर अ कोल्ड स्ट्रेंजर कॉल्ड निमोनिया इंटर्स ग्रीनविच विलेज. अब कह रहा है ये थोड़ा सा समय बदल चुका है, अब जो स्प्रिंग था वो खत्म हो चुका है और ये विंटर आ चुका है. तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि टुवर्ड विंटर, विंटर का समय है और विंटर के समय काफ़ी ज़्यादा ठंड है. उस ठंड में एक मेहमान आया है जिसका नाम क्या है, निमोनिया. और वो कहाँ आया है, ग्रीनविच विलेज में आया है. और ये जो कहानी चल रही है वो भी कहाँ चल रही है, ग्रीनविच विलेज में ही चल रहा है. तो यहाँ पे क्या, जहाँ पे सू 4 महीने से रह रही थी वो तो पहले मीटिंग से पहले के 4 महीने की वो रह रही थी. अब थोड़ा सा कहानी जो है वो आगे बढ़ चुका है, अब विंटर में पहुँच चुका है कहानी. तो कह रहा है कि यहाँ जो चूँकि ठंड के मौसम में ही जो है निमोनिया का ज़्यादा अटैक होता है. निमोनिया क्या है, एक बीमारी है. तो जो विंटर का समय आया ना, तो वहाँ पे एक नए मेहमान की एंट्री हुई, नए गेस्ट की एंट्री हुई, जिसका नाम क्या है, निमोनिया, जो कि क्या है, एक विलेज है. सॉरी, निमोनिया एक बीमारी है. निमोनिया इज़ नॉट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन. तो आगे जो है नरेटर वो बताते हैं कि जो निमोनिया है ना वो कोई जेंटलमैन नहीं है. जॉनसी यूज्ड टू द वार्म एयर ऑफ कैलिफोर्निया इज़ एन ईजी टारगेट फॉर निमोनिया. अब देखो निमोनिया का टारगेट, निमोनिया जो है ना वैसे व्यक्ति को टारगेट करता है जिनका शरीर जो है ना हॉट और कोल्ड को जल्दी से सडन चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो. तो कह रहा है कि जो जॉनसी थी वो कैलिफोर्निया से आई थी और कैलिफोर्निया का जो एयर था वो वार्म एयर था और जिसके वजह से वो बहुत ही जल्दी से बहुत ही आसानी से जो है वो निमोनिया से टारगेट हो गई, मतलब निमोनिया की पकड़ में आ गई, मतलब निमोनिया से वो सफ़र करने लगी. कौन, जॉनसी. क्यों, क्योंकि वो एक आई थी वार्म एरिया से और चूँकि वो जो ग्रीनविच था वहाँ कोल्ड था, जिसकी वजह से उनको निमोनिया हो गया. एंड सी लाइज बार्ली मूविंग ऑन हर पेंटेड आयरन बेड स्टेट लुकिंग थ्रू द स्मॉल विंडो पेन्स एट द ब्लैंक साइड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस. अब कह रहा है ना कि वो जो अब क्या कर रही थी, उनका जो निमोनिया हो गया था तो जिसकी वजह से बहुत कमजोर हो गई थी और वो अपने हमेशा जो है ना वो बेड पे ही पड़े रहते थे. लुकिंग थ्रू द स्मॉल विंडो पेन्स एट द ब्लैंक साइड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाउस. और वो हमेशा विंडो पेन क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि जो फिल्म अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो खिड़की होते हैं ना उसमें टाइल्स टाइप के जो शीशे होते हैं वो लगाए रहते हैं और उसको शीशे को एक एक करके बड़े आसानी से निकाला जा सकता है. तो वह उस तरह के शीशे को विंडो पेन कहते हैं. तो कह रहे हैं कि वो विंडो पेन से क्या करती थी ना कि दूसरे साइड का जो ब्रिक हाउस था उसको देखते रहती थी. मतलब एक घर, जिस घर एक बिल्डिंग में वो रह रहे थे और उस बिल्डिंग के ठीक सामने वाला जो बिल्डिंग था खिड़की से बाहर उस घर को देखते रहते थे. कौन देखते रहते थे, जॉनसी, जो कि बीमार पड़ चुकी थी. बेडस्टीट का मतलब चारपाई होता है. आयरन बेडस्टीट का मतलब क्या हो गया कि लोहे का जो पलंग होता है ना उसको हम लोग आयरन बेडस्टीट कहते हैं. वन मॉर्निंग आफ्टर द डॉक्टर हैज फिनिश्ड हिज थर्ड विजिट सू फॉलोज हिम इनटू द हॉलवे. अब कह रहा है एक सुबह जब डॉक्टर तीसरी बार देख करके जॉनसी को जा रहे थे तो जो सू है वो डॉक्टर को फॉलो करते हैं, तो डॉक्टर के पीछे पीछे जाती हैं हॉल में और सू जो है वो डॉक्टर से पूछती हैं, क्या पूछती हैं, हाउ इज सी डॉक्टर, कि जो सू जो जॉनसी है वो कैसी है डॉक्टर. ये बात सू जो है वो किससे पूछ रही है, डॉक्टर से. डॉक्टर नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल, आई एम अफ्रेड सी हैज़ वन चांस इन लेट अस से 10. अब वो आगे जो है वो डॉक्टर कहती हैं कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है. डॉक्टर कहते हैं कि मैं डरा हुआ हूँ. क्यों, क्योंकि उनके पास जो है जो जॉनसी है 10 में से 1 चांस है उनके ठीक होने का, बचने का. 10 में से 1 चांस है जॉनसी के ठीक होने का. एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वांट टू लिव. अब कह रहा है कि एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वांट टू लिव, मतलब वो 10 में से जो 1 चांस है वही चांस है उनके जिंदा रहने के लिए, बचने के लिए. सो
इज देर एनी थिंग डेट आई कैन डू टू हेल्प डॉक्टर. तो जो सू है एक अच्छे दोस्त की तरह जो डॉक्टर से वो पूछती है कि क्या वो कुछ कर सकती है, क्या वो कोई मदद कर सकती है वो 10 में से 1 चांस बनाने के लिए. फिर आगे है डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर द लिटिल लेडी हैज़ मेड अप हर माइंड डैट सी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. अब वो कहती हैं कि ये जो लिटिल लेडी है, लिटिल लेडी मतलब जो जॉन्सी है, उन्होंने ऐसा मान लिया है कि वो जो है वो ठीक नहीं हो सकती है. हैज़ सी एनीथिंग ऑन हर माइंड, तो वो पूछते हैं कि क्या उनके दिमाग में जो जॉन्सी है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई बात है. सू सी वेल सी वॉन्टेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स समडे. तो आगे जो है वो सू जो है वो सी कह के बीच में वो छोड़ रुक जाती हैं, रुकती हैं कि हाँ वो जो है ना वो बे ऑफ नेपल्स को वो पेंट करना चाहती थी, बनाना चाहती थी. डॉक्टर पेंट व्हाट फुलिसनेस, हैज सी एनीथिंग ऑन हर माइंड वर्थ थिंकिंग अबाउट ट्वाइस अ मैन फॉर इंस्टेंस. वो कह रहे हैं आगे जो डॉक्टर है वो कहते हैं पेंट ये कैसा बेवकूफाना है. हैज सी एनीथिंग ऑन हर माइंड वर्थ थिंकिंग अबाउट ट्वाइस, कह रहा कि क्या कोई और ऐसा चीज़ है जो उनको जो है ना दो गुना परेशान करता हो, ज़्यादा परेशान मतलब ज़्यादा वो अपने मन में बिठा के रखी है. अ मैन फॉर इंस्टेंस कि वो कहते हैं कुछ जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि क्या कोई इंसान तो नहीं, कोई आदमी तो नहीं है ना जिसके वजह से वो अपने दिमाग को अपने मन को बहुत बेचैन रखे हुए हैं, उन्होंने ऐसा उम्मीद रख लिया कि नहीं अब हमको जिंदा ही नहीं रहना है, अगर वो चल गया है तो हमको जिंदा ही नहीं रहना, अब हमको भी मर जाना कुछ देर के लिए अगर ये मान लिया जाए. तो सू कहती है मैन इज अ मैन वर्थ नो डॉक्टर, देयर इज नथिंग ऑफ दैट. तो आगे जो सू कहती है मैन नहीं नहीं ये कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई आदमी नहीं है, नो डॉक्टर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि एक व्यक्ति के वजह से, एक खास पुरुष के वजह से या किसी मेल के वजह से जो जॉन्सी है वो परेशान है, ऐसा नहीं है. डॉक्टर वेल इट्स वीकनेस देन आई विल डू एवरीथिंग दैट आई कैन बट वेन अ पेशेंट गिव्स अप होप मेडिसिन डजंट हेल्प मच. पॉज. व्हाट कैन यू डू टू हेल्प, वेल इफ यू कैन गेट हर टू शो सम इंटरेस्ट इन समथिंग even the new winter styles in court slips then I will promise you a 1 in 5 chance for her instead of 1 in 10. तो आगे जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये सारी बातें नहीं है तो फिर क्या है, कमजोरी है. वो आगे जो वो कहती हैं, आगे जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि वो सारी चीज़ें करेंगे जो वो कर सकते हैं. फिर आगे वो डॉक्टर कहते हैं लेकिन जब एक पेशेंट जो है वही बचने की उम्मीद को छोड़ दे, जिंदा रहने की उम्मीद को छोड़ दे, तब दवा भी जो है वो मदद नहीं करता है, दवा भी जो है उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकता, और फिर थोड़ी देर के लिए जो है वो माहौल शांत हो जाता है. व्हाट कैन यू डू टू हेल्प, अब आगे जो है डॉक्टर जो है वो सू को कहते हैं कि तुम क्या कर सकती हो, क्या मदद कर सकती हो. वेल इफ़ यू कैन गेट हर टू शो सम इंटरेस्ट इन समथिंग, आज कहते हैं कि चलो ठीक है यदि आप जो है जॉन्सी का कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट जगा सको, चाहे वो इवन इन द न्यू विंटर स्टाइल्स इन कोट स्लिप्स की, मतलब चूंकि विंटर का समय है तो विंटर के समय में जो नए नए कोट स्लिप्स मतलब क्या हो गया, जो कोट पहनने के बाद जो हाथ तक फुल आर्म तक जो बांह आता है ना उसको स्लीव कहते हैं, तो जो नए विंटर स्टाइल का जो कोट स्लिप्स है अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट जगा दो ना जॉन्सी का, तब डॉक्टर प्रॉमिस करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 5 में से 1 चांस होगा, यू 1 in 5 चांस फॉर हर इंस्टेड ऑफ 1 in 10. आप सोचो कि अगर 5 में 1 चांस हुआ जिंदा रहने का तो 10 में कितने चांस हुए, 2 चांस. और ऐसे जो है वो जॉन्सी के जिंदा रहने के चांसेस कितने हैं, 10 में से 1. और अगर जॉन्सी का किसी वजह से सू जो है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जगा देती हैं तो जो जॉन्सी के जिंदे रहने का जो उम्मीद होगा वो कितना होगा, 1 out of 5, मतलब 10 में 2, मतलब पहले वाले से ज़्यादा. ये बातें कौन कहता है, तो डॉक्टर समझाते हैं, किसको समझाते हैं, सू को, कि आप किसी भी तरह से क्या करो जो जॉन्सी का जो इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में आप जगा दो. नाउ वी हैव कवर्ड द फर्स्ट एंड द सेकेंड सीन ऑफ द स्टोरी, द थर्ड एंड द रेस्ट सीन विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप यू अंडरस्टूड द पार्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी.